देवाय नमः। लगता है कोई ऋषि तपस्या कर रहा है। ऋषियों की तपस्या भंग करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। कान्हा पुत्र, कान्हा बलराम, यशोदा, मैं कान्हा को ढूंढता हूँ। तुम शीघ्र अतिशीघ्र महिलाओं को लेकर यहाँ से सुरक्षित स्थान पर जाओ। नहीं आ रहे, मैं अपने कान्हा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। जाओ यशोदा, गोकुल पर संकट के बादल है, तुम जाओ यहाँ से। और भाइयों, आप लोग शीघ्र ही सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। नहीं, आप भी चलिए। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे ऋषि रामनी के साथ में रहना है। पता नहीं सुदामा ने वो शंख कहाँ रखा होगा। आ गया तू पर्वतासुर, मैं तेरे लिए ही तपस्या कर रहा था। अब सुदामा का क्या होगा? तूने इन भोले भाले गोकुलवासियों को बहुत सताया है, अब इसका दंड भुगतने के लिए तू तैयार हो जा। नहीं ऋषिवर, आप इसे मत मारिए, आप इसे क्षमा कर दीजिए। चुप कर बलराम, तुझे सौगंध है मेरी, अगर तूने ऋषिवर से एक भी शब्द कहा तो। कान्हा कहाँ हो तुम? मैं अब ऋषि रामणिक को नहीं रोक सकता, क्योंकि मैया ने मुझे सौगंध दी है। तुम शीघ्र यहाँ आओ। शंख मिल नहीं रहा और मेरे पास समय बहुत कम है, अब तो लीला करनी ही पड़ेगी। स्वर्ण शंख मेरे समक्ष आओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूर्य देवाय नमः। तेरा अंत निश्चित है पर्वतासुर। नहीं, सुदामा लो स्वर्ण शंख, अब इसे अपने पैर से कुचल दो मित्र। पर्वतासुर को मारने के लिए कृष्णा को अपने प्रिय मित्र सुदामा को मरते हुए देखना पड़ रहा है। देख कृष्णा,
कितना चतुर हूँ मैं, मैंने तेरी इसी दुर्बलता का लाभ उठाया और सदैव उठाता रहूंगा, जब तक स्वयं तेरी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक। पर्वतासुर को मारकर हमें भयमुक्त कर दिया ऋषि रामणिक ने। काकी को आभास भी नहीं है कि पर्वतासुर के साथ उनके पुत्र सुदामा का भी अंत हो गया है। महाराज, परछाई अदृश्य हो गई। इसका अर्थ यह है कि सुदामा ने शंख तोड़ दिया है, उसने अपना लोभ छोड़ दिया है। महाराज, अब इसका क्या लाभ? उसके लोभ ने इसके प्राण तो हर लिए ना विकट। गया सुदामा। ये तो सुदामा है। हटिए। हे ईश्वर, मुझसे ये कैसा अपराध हो गया? मैंने पर्वतासुर के साथ साथ एक बालक के भी प्राण ले लिए। नहीं, कुछ नहीं हुआ है मेरी सुदामा को, कुछ नहीं हुआ है। सुदामा, आंखें खोलो मेरे पुत्र। सुदामा, आंखें खोलो, घर चले आना। सुदामा, सुदामा! अपने आप को संभालो बहन। सुदामा अब अपने नेत्र नहीं खोल सकता। कान्हा, तुमने तो मुझे आज ही वचन दिया था ना कि तुम मेरे भोले सुदामा की रक्षा करोगे, फिर क्या हुआ? अपना वचन नहीं निभाया तुमने। नहीं बहन, इसमें मेरी ही त्रुटि है। मैंने ही ऋषि रामनिक को पर्वतासुर को मारने के लिए बुलाया था। नहीं नंद, ये अपराध तो मुझसे हुआ है। इस बालक की मृत्यु मेरी त्रुटि से हुई है। मेरा ध्यान भंग होते ही मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाया और बिना उसे चेतावनी दिए मैंने उसे मार डाला। अगर एक क्षण भी मैं उसके नेत्रों में देख लेता तो मुझे ये ज्ञात हो जाता कि असुर के रूप में ये एक बालक है। किंतु मैंने धैर्यहीन होकर पर्वतासुर पर अस्त्र का वार किया। हे ईश्वर, मैं इस घोर पाप का पश्चाताप कैसे कर पाऊंगा? मेरी सहायता कीजिए ईश्वर और इस बालक को पुनः जीवन दान दे दीजिए। शिवर, मैं आपको यही समझाना चाहता था। आपके ज्ञान को क्रोध ने ढक रखा था। आप क्रोधित ना होते तो आज सुदामा की ये दशा नहीं होती। धनुष से निकला हुआ बाण और जीवा से निकले हुए शब्द पुनः नहीं लौट सकते। अच्छा होता कि आप शांत होकर हम सबकी परिस्थिति को समझ पाते। ऋषिवर, एक बार आप आकाश की ओर देखिए।
तूने हमारा ध्यान भंग किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इसी क्षण मूक हो जाओगे। सुधामा की परछाई नहीं दिख रही, इसका अर्थ है दुष्ट पर्वतासुर सुधामा के शरीर में है। यदि ऋषि रामा ने अपने सूर्यास्त्र का प्रयोग पर्वतासुर को मारने के लिए किया तो बेचारे सुधामा की भी अकाल मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे अतः शीघ्र नंद जी को इसकी सूचना देनी होगी। आज अगर उस पर्वतासुर ने तुम्हारी गोकुल नगरी पर आक्रमण किया तो उसका अंत अवश्य होगा। ऋषि रामा ने पर्वतासुर को मारने के लिए सूर्यास्त का आह्वान करने जा रहे हैं, मुझे मुनिवर को रोकना होगा। मूर्ख, मुझसे शापित होने के पश्चात भी तू मेरे क्रोध से परिचित नहीं हुआ है। तू मेरे कार्य में बाधा डालना चाहता है, जा, मैं तुझे इसी क्षण श्राप देता हूँ। आज से तू स्थिर रहेगा, शिला बनकर जिएगा। ये मैंने क्या कर दिया? एक अबोध ब्राह्मण बालक की हत्या का उत्तरदायी मैं हूं, किंतु ये सब प्रभु, सुदामा में प्राण आ गए, सूर्यास्त्र के दिए हुए घाव भी भर गए। सूर्यास्त्र के घाव तो सिर्फ हरि ही भर सकते हैं, आप स्वयं हरि हैं प्रभु। मैं आपको पहचान गया प्रभु, मुझे अपने विराट रूप के दर्शन कराकर धन्य कर दीजिए प्रभु। मेरा जीवन धन्य हो गया है प्रभु, धन्य हो गया है प्रभु। सुदामा जीवित हो गया, लगता है ऋषि रामणिक ने इसे पुनः जीवित कर दिया। ऋषि राम ने की जय, 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 ऋषि राम ने की जय। धन्यवाद ऋषि रामणी, आपने मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। मुझे धन्यवाद मत दीजिए, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि सूर्यास्त्र से मृत व्यक्ति को मैं पुनः जीवित कर सकूं। ये तो स्वयं श्री हरि का चमत्कार है। आज ईश्वर ने सुदामा के साथ साथ मुझे भी पुनः जीवन दान दिया है। मुझे इस बात का ज्ञात हो गया है कि क्रोध से सिर्फ हानि होती है, इसलिए आज मैं आप सबके समक्ष ये वचन देता हूं, आज से मैं क्रोध के मार्ग को छोड़कर सौम्यता के मार्ग पर चलूंगा। किंतु ऋषि रामनिक, उन सबका क्या होगा जिन्हें आपने क्रोधवश अकारण ही श्रापित किया था? आप ही ने मुझे बताया है कि धनुष से निकला वाण और मुख से निकले हुए शब्द लौट नहीं सकते। अब आप ही को युक्ति बताइए
जिससे उन निर्दोष व्यक्तियों को मैं श्राप मुक्त कर सकूं, जिन्हें मैंने क्रोधित होकर श्राप दिया था। यही आपके क्रोध का प्रायश्चित है ऋषि राम ने, आपको स्वयं ही इसके लिए प्रयत्न करना होगा। हाँ, आप इस कार्य के लिए अपने आराध्य सूर्य देव की सहायता ले सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ओम सूर्य देवाय नमः। हे आराध्य देव, अपने भक्त को दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु। प्रणाम श्री हरि। मेरे आराध्य सूर्य देव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। श्री हरि ने मेरा मार्ग प्रेम और शांति के लिए प्रशस्त किया है। अब मुझे सूर्य अस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। कृपा करके आप इन्हें पुनः वापस ले लीजिए और इसके स्थान पर उन सभी व्यक्तियों को श्राप मुक्त कर दीजिए प्रभु, जिन्हें मैंने क्रोध में आकर के श्रापित किया। तथास्तु। मैं बोल सकता हूं, चल भी सकता हूं, मैं श्राप मुक्त हो गया। ऋषि रामाणी के साथ हम सबको भी यह सीख मिला है कि हमारे जीवन में प्रेम हो, क्रोध नहीं। हाँ काकी, क्रोध के साथ साथ लोभ का त्याग करना भी अवश्य है। मेरी दुर्दशा का कारण भी उस स्वर्ण शंख का लोभ ही था जो मुझे वन में मिला था। हाँ, जब मैं पर्वतासुर के नियंत्रण में था और गोकुल का विध्वंस कर रहा था, उस समय मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। किसकी आवाज सुनी मित्र? ये तो मुझे स्मरण नहीं कि वो किसकी आवाज थी। अच्छा नंदराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुनिवर, आप हमारे गोकुल में पधारे, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऋषिवर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। आप सब गोकुलवासी निश्चिंत रहें, गोकुल पर तो स्वयं श्री हरि का आशीर्वाद है, असीम कृपा है उनकी। बोलो श्री हरि की जय। 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 क्या कहा तुमने? सुदामा ने अपने लोभ को जीत लिया है, ये गाना तुमने? अरे ये कार्य सुदामा अकेले कदापि नहीं कर सकता, इसके पीछे अवश्य वो जो कृष्णा है ना, उसकी लीला है। अरे यदि अकेला सुदामा सुरक्षित रह गया तो क्या हुआ विकट? कुछ नहीं हुआ। मैं संपूर्ण गोकुलवासियों को उस कृष्णा के विरुद्ध कर दूंगा। मैं संपूर्ण गोकुलवासियों को स्वर्ण के मोह में डाल दूंगा। केवल एक स्वर्ण शंख नहीं होगा, अनेकों स्वर्ण शंख होंगे। अब केवल एक ही पर्वतासुर नहीं होगा, अनेक पर्वतासुर होंगे। मैं और
उस कृष्ण के विरुद्ध विशाल सेना खड़ी कर दूंगा। मैं इतना छोटा कैसा हो गया? आपने सुदामा की परछाई को नियंत्रित किया, अब मैं आपकी परछाई को नियंत्रित करूंगा। वो देखिए मूषक। मुझे बचा लो इस मूषक से। नहीं, 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 नहीं।